नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com। बढ़ते हैं इस वक्त की 20 बड़ी खबरों की तरफ। पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के दफ्तर और आवास समेत कई जगहों पर सीबीआई ने मारा छापा। दक्षिण पश्चिम मानसून का दस्तक, पहाड़ों पर बारिश, मैदानी इलाकों में भी गिरा पारा। मध्य प्रदेश में फिर बवाल, नीमच की दरगाह के पास मंदिर बनाने को लेकर दो गुटों में विवाद, जमकर हुआ पथराव। ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी कोर्ट के आदेश को किया चैलेंज। पहले दिन ही LIC को नहीं रास आया शेयर मार्केट, भारी डिस्काउंट पर हुई लिस्टिंग। देश में कोरोना के मामलों में बड़ी गिरावट, 24 घंटे में 1560 के करीब नए मामले, 19 लोगों की मौत। ज्ञानवापी के बाद अब जामिया मस्जिद को लेकर उठी आवाज, हिंदू संगठनों ने मांगी पूजा करने की इजाजत। गेहूं का सरकारी स्टॉक अब और बढ़ाना नहीं होगा आसान, घरेलू बाजार में मिल रहा MSP से अधिक मूल्य। ज्ञानवापी के सर्वे रिपोर्ट में सस्पेंस, विशेष कमिश्नर बोले तैयार है, अजय सिंह बोले समय लगेगा। हिंदुओं को कुतुब मीनार और ताजमहल सौंपे भारत सरकार, कांग्रेस नेता की डिमांड। श्रीलंका में बचा है केवल आज का पेट्रोल का स्टॉक, आने वाले दिन होने वाले हैं मुश्किल भरे, भारत की मदद के बाद ही मिल सकती है कुछ राहत। नोएडा एक्सप्रेसवे पर साइकिलिंग करने निकले 5 लोगों को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे के बाद ट्रक चालक फरार। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में क्लस्टर बस में लगी आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौजूद। बिना रजिस्ट्रेशन के आए यात्री नहीं कर पाएंगे 4 धाम की यात्रा, ऋषिकेश में रोका जाएगा। ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट अभी तैयार नहीं, कोर्ट से मांगा जाएगा समय, असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर अजय सिंह ने कहा। असम के 20 जिलों में बाढ़ का कहर, 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। कैनेस 2022 से दीपिका पादुकोण का फर्स्ट लुक हुआ आउट, शॉर्ट शिमरी ड्रेस में दिखी गॉर्जियस। दिल्ली जयपुर हाईवे पर भीषण हादसा, राजस्थान के एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, 12 घायल। खतरनाक हीट वेव के चलते एशिया में बढ़ सकती है मृत्यु दर, एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी। राजद्रोह मामला, शर्जिल इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली SC में सुनवाई 26 मई तक तय। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए हमेशा देखते रहिए पंजाब केसरी .com।